हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि डिजिटल रिमोट कंट्रोलर डिवाइस कैसे कनेक्शन उसका करे और उसको बोर्ड में भी कनेक्शन कर सकते हैं ऐसे चाहेंगे तो। अगर किसी जगह पे अगर उसको सेट करना हो तो वो डायरेक्ट, उसमें 4 पॉइंट रहता है, वो 4 पॉइंट से आप सेट कर सकते हैं। देखिए, हम दिखाने जा रहे हैं आपको। एक डिजिटल रिमोट कंट्रोलर स्विच है, डिजिटल रिमोट कंट्रोलर स्विच, जो किसी भी चाहेंगे तो ऐसे बोर्ड में भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा रिमोट है, 12 वोल्ट के बैटरी है जो रिमोट में सेट होता है, और ये हमारा स्विच है। देखिए, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है बल्ब के लिए, आर, वाइट, पीला है, ग्रीन है, और ये हमारा मेन सप्लाई लाइन जाएगा। एक ये रेड वायर है एसी के लिए, और ये दोनों वायर है न्यूट्रल के लिए। आप किसी भी पॉइंट में आप दे सकते हैं। इसमें 4 स्विच कंट्रोल होगा, कहीं भी लगा सकते हैं डिवाइस को, और रिमोट, ये रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, देखिए लगने वाला। इसको देखिए, टिपिएगा तो रेड बल्ब इसमें जल रहा है, चाहेंगे तो आप इसमें रेड बल्ब दिया हुआ है, और इसमें पॉइंट दिया है 1 2 3 4, 4 पॉइंट दिया हुआ है। 4 पॉइंट देखिए, इसके लिए 4 स्विच है, इसके लिए 4 पॉइंट है, और चाहेंगे तो ऑन कर सकते हैं, एक साथ चारों ऑन भी कर सकते हैं। अगर चाहिएगा तो ऑफ करना हो तो चारों ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक एक ऑफ करना हो तो यहाँ स्विच दिया हुआ है, एक से जलेगा ऑफ। इसको भी चाहिएगा तो जहां पे बोर्ड कनेक्शन हो वहां पे इसको भी सेट कर सकते हैं। ऐसे अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट इसको यूज करके, फिर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे बोर्ड में इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट के लिए 4 होल्डर हमको चाहिए। देखिए, 4 होल्डर चाहिए, 4 बल्ब हमको चाहिए, इसमें आपको कटर चाहिए, पिलास चाहिए, और टेस्टर, हमेशा लाइन का काम करते हुए टेस्टर यूज करना चाहिए। कभी कहीं पे लाइन शॉर्ट हो या कुछ भी हो तो आपको पता करने के लिए कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये हमारा फिक्सचर्स है। अब इसका हम दिखाएंगे आपको कि कैसे इसका कनेक्शन होगा, चारों बॉल के ये डिजिटल रिमोट कंट्रोलर से कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। देखिए, हम कनेक्शन आपको अब हम करके दिखाते हैं। ये मेरा पॉइंट है, इसको हम डायरेक्ट होल्डर में, ये फेज है इसमें,
ये हम इसको ऑनलाइन मंगाए हैं, इसका दाम 500 रुपया है। देखिए चारों पॉइंट में हम अभी इसको खाली फेस दिए हैं, ठीक है, इसका फेस, इसका फेस, इसका और इसका, चारों का भी हम फेस दिए हैं। जो रिमोट कंट्रोलर है उसमें से जो चार पॉइंट निकला है उसका मात्र फेस है। अभी इसमें हम न्यूट्रल कॉमन करेंगे चारों का। नहीं तो आप चाहिएगा तो चार पॉइंट भी आप दे सकते हैं न्यूट्रल से, चार तार निकाल के, पर ऐसे हम इसमें कॉमन सब कर दे रहे हैं, सब एक दूसरे में सीरीज करके निकाल ले रहे हैं पॉइंट।
देखिए ब्लू जो तार है वो हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल है, इसमें जो पीला है तार वो हमारा फेस हो गया, ये रिमोट कंट्रोलर का ही स्विच है, ये ब्लू तार हो गया, इसका हम कॉमन कर लिए हैं, सीरीज कर लिए हैं आपस में न्यूट्रल को और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें, अब इसका हम इसमें बल्ब लगाएंगे हम, देखिए यहाँ पॉइंट है चार गो, तीन गो है, दो न्यूट्रल है और एक फेज है, ये मेन लाइन सप्लाई में जाएगा, ठीक है, और इसका जो एक न्यूट्रल है वो न्यूट्रल इसमें आ जाएगा, देखिए ये जो पॉइंट है ये बल्ब के लिए न्यूट्रल है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मेन एसी में 220 वोल्ट में न्यूट्रल जाएगा और इसमें फेज जाएगा, रेड जो दोनों वायर है, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर, एक न्यूट्रल और ये इसका न्यूट्रल है, ये जो चारों बल्ब में जो पॉइंट में देखिए ये वाला जो गया हुआ है, और जब भी इसको जोड़े तो टाइट रखे, लूज नहीं रखे कि एक्सपायर करे लाइन, इसमें टेपिंग कर देंगे हम, इसमें ध्यान देंगे कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में डालेंगे और फेज है तो फेज वाला, रेड वाला जैसे एसी है इसमें, इसमें और इसमें जो एसी है वो दोनों सेम होना चाहिए और न्यूट्रल भी सेम होना चाहिए, ये आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल कहां से हम ला के इसमें जोड़ दिए, पर ये न्यूट्रल जो ये तार है ये देखिए इस सब जितना बल्ब है ना उसमें जो रेड ब्लैक तार है उसको मैंने हम सब में कॉमन कर लिए हैं, एक में एक इसमें से इसमें न्यूट्रल ले लिए, इसमें से इसमें न्यूट्रल ले लिए और इसमें से लास्ट पॉइंट निकाल के हम जो रिमोट कंट्रोल डिजिटल रिमोट कंट्रोलर है उसका न्यूट्रल वाला पॉइंट में जो बल्ब के लिए जो न्यूट्रल है, ये पूरा बल्ब के लिए और ये दोनों एक किट के लिए है न्यूट्रल और फेज, इसमें देखिए सिंबल डाला हुआ है, ब्लैक ब्लैक न्यूट्रल है और रेड वायर है जो 220 वोल्ट एसी इसमें आता है, ठीक है, और ये ब्लू वायर येलो व्हाइट और ग्रीन जो है इस पॉइंट में है, देखिए चार पॉइंट है ना, ब्लू येलो व्हाइट और ग्रीन इसमें है, ये न्यूट्रल के अति न्यूट्रल हो गया और ये हमारा इससे इसमें आया 220 वोल्ट और यहाँ से ये रिमोट कंट्रोलर ये स्विच है जो ये रिमोट से कंट्रोल होता है, इससे सारा पॉइंट इसमें चला गया है, अब हम इसको जला के आप लोग को दिखाते हैं, देखिए जो रेड वायर है वो फेज में ही डालना चाहिए, देखिए इसमें पहले चेक करेंगे हम कि फेज मेरा किस में आ रहा है, तो फेज मेरा इस पॉइंट में आ रहा है, इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल अभी बताता नहीं है, अगर न्यूट्रल बता रहा है तो समझिए कि मेरा कहीं से न्यूट्रल टायर कट चुका है, इसके वजह से दोनों में न्यूट्रल बता रहा है, मेरा भी न्यूट्रल इसमें सही है, अगर हम न्यूट्रल तार काट देते हैं
तो इसमें दोनों पॉइंट में बताएगा। अब ये हमारा फेज बता रहा है, तो ये जो फेज वाला पॉइंट है उसको फेज में डालेंगे और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में डालेंगे। देखिए हमारा सर्किट चालू हो गया। अब यहां से हम ऑफ करते हैं तो ये पूरा कट गया। अगर ऑन हम करते हैं, अगर हम स्विच बाय स्विच जलाना चाहेंगे तो इसमें नंबरिंग डाला हुआ है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर तक यहाँ है, चार पॉइंट, इसीलिए मेरा ये चार पॉइंट है, इसमें चार पॉइंट डाला हुआ है। अगर हम डायरेक्ट चाहेंगे तो डायरेक्ट ऑफ ऑन कर सकते हैं, तो ये चारों बल्ब मेरा जल जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट ऑफ करेंगे, रेड वाला जो बार, रेड वाला जो हमारा है, ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, इसको हम ऑफ दबाएंगे तो ये मेरा चारों पॉइंट बुझ जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको एक एक बल्ब जला के, जैसे एक हम दाबे, एक इसमें लिखा हुआ है तो एक बल्ब मेरा जलेगा, ठीक है। अगर हम दो दाबेंगे तो मेरा ये दूसरा बल्ब जल जाएगा। अगर हम तीन डालेंगे तो हमारे यहाँ तीसरा बल्ब जलनेगा। चौथा बल्ब मेरा चार दाबेंगे तो ये मेरा चारों रिमोट से कंट्रोलर है। ये हम अगर हम चाहेंगे तो इसको एक एक जला सकते हैं और बुता सकते हैं। मान लीजिए हमको ये बुताना हो ये बल्ब, तो हम इसको डाले दाबेंगे तो बुझ जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर हम एक दूसरा जब बुताना चाहते हैं तो उसी तरह से है। अगर हम डायरेक्ट पूरा ऑफ करना चाहते हैं एक साथ, कि हम रात मान लीजिए सोने का टाइम हो गया, मेरा चारों बल्ब हमको बुताना है यहीं से, तो हमें रेड डाल देंगे तो पूरा बुझ जाएगा। अगर हमको ऑन करना है एक साथ चारों ही ऑन करना है, तो ये ऑन वाला हम दबेंगे तो मेरा ऑन हो जाएगा। ये तो अभी हम आपको ऐसे ही करके दिखाए हैं, पर ये जो रिमोट, जो मेरा ये रिमोट कंट्रोलर है, इसको बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे तो ये कहीं भी बोर्ड रहे, हमको स्विच दाबने का जरूरी नहीं है, हम ये रिमोट से ही कंट्रोल कर लेंगे। देखिए रिमोट से हम डायरेक्ट बुताएं, डायरेक्ट ऑन करेंगे तो ऑन हो गया। अगर हमको एक एक ऑन करना है, जैसे एक बल्ब जलाना है, दूसरा बल्ब बुताना है, फिर बुताना है, बुताना है, अगर हमको एक जलाना है तो एक जलाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको, अभी तो हम यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं, अगर हमको मान लीजिए एक सीढ़ी पे हम बल्ब लगा दें, फिर एक हम दूसरा रूम में लगा दें, फिर इसको बल्ब को हम बाहर में ही डाल दें, या फिर इसको रूम में, तो हमको इसको कंट्रोल करने के लिए हमको स्विच के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे होता है कि स्विच जाके जलाएंगे तब बरेगा, उसको बुताएंगे तो बुतेगा, ऐसे नहीं है, रिमोट कंट्रोल है। इसको कहीं भी आप डिवाइस को लगा सकते हैं, और डिवाइस को लगा के आप कहीं से भी, मतलब पूरा एक घर के एरिया में इसका एक पावर इतना है कि ये कंट्रोल कर लेगा। मान लीजिए हमको अभी कहीं लगाया हुआ है बल्ब बाहर, बाहर में है, और मेरा स्विच मेरे पास रिमोट हाथ में है, तो हम कहीं यहीं से बुता सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बुत गया, चारों ऑन हो गया। अब इसको हम जैसे मन चाहेंगे वैसे यूज करेंगे, पर ये तो अभी हम सिंपल, आपको सिंपल तरीका से हम आपको अभी ऐसे ही बताए हैं, पर इसका मेन काम है, इसको बोर्ड में हम कहीं पे सेट कर देंगे। जैसे हमारा मान लीजिए, देखिए हमारा बोर्ड है, तो इसमें चार पॉइंट है ना, कितना बल्ब है, चार पांच बल्ब है, तो जैसे ये हमारा चारों स्विच है, तो इस चारों स्विच में हम डायरेक्ट डाल देंगे और यहीं से इसको हम कंट्रोल करेंगे। इसको हमको बार बार स्विच जाके बुताना नहीं पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा, और इसको हम डायरेक्ट उसमें हम कर लेंगे। और फिर हम आपको अभी बताएंगे दूसरा वीडियो, जब मैं डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम सिखाएंगे आपको कि कैसे कंट्रोलर को हम बोर्ड में इसको सेट करें, और बोर्ड से मेरा कैसे कंट्रोल होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह से रिमोट कंट्रोलर, इसका ये डिवाइस 500 रुपया में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो आप दुकान से भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम ऑनलाइन मंगाया है इसको। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।